बर्थडे की पूजा हो चुकी थी और शाम हो चुकी Surprise! थी और हमें मिला एक बहुत बड़ा सरप्राइज। मैं और केकी चाय पी रही थे तो हमें मिला सरप्राइज, और वो सरप्राइज था ये। तो मम्मी पापा आ गए थे, हमने हमें खिड़की से देखे और हम लोग शॉक्ड हो गए कि ये लोग कैसे आ गए। तो मतलब ये बहुत बड़ा सरप्राइज था, हमने सोचा भी नहीं था और मैं थोड़ा इमोशनल भी हो गई थी। सो चकिलो भाई। तो कीकी भी इतनी खुश हो गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे, इतनी जोर जोर से क्लैपिंग करने लगी और मतलब खुशी से बहुत खुश हो गई। कौन आया बेटा? नाना नानी। तो यहाँ पे मम्मी पापा भी इमोशनल हो गए थे। मैं तो गलाना बंद की तरह हम निकलाया कर दी थी। यही नहीं ना होना था, इरादा था चल रहा साइलेंट। सो मैं बहुत नाराज चल रही थी मम्मी पापा से, तो ये बात कर रहे थे। तो फिर विवेक पापा से मिले और ये लोगों से हम लोग काफ़ी टाइम से बात नहीं कर रहे थे। एक्चुअली जब से धन्विका बीमार थी हम लोगों को इनकी बहुत याद आ रही थी, बट कुछ काम की वजह से ये भी नहीं आ पा रहे थे। और आज बहुत स्पेशल डे था और ये आए तो हम लोग बहुत खुश हो गए थे, बहुत बड़ा सरप्राइज था। फिर हमने चाय वगैरह पी और हमने प्लान किया कि विवेक का मन था कि आज हम मंदिर जाएंगे शाम को, तो हम लोग चाय वगैरह पी के मंदिर निकल गए थे। और कीकी देखो कितनी खुश हुई है, नाना नानी आए हुए हैं। तो फिर इसके बाद हम सीधा निकल चुके थे मंदिर के लिए, और मम्मी ने गाय के लिए मतलब आटे से पेड़े बनाए थे और विवेक को बोला था कि उनको गाय को खिलाना है। तो रास्ते में गाय दिखी, विवेक ने वो उनको खिलाए और फिर हम पहुंच चुके थे मंदिर, श्री वैष्णो माता मंदिर। ये बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारा मंदिर है, ये देखो हम लोग मंदिर पहुँच चुके थे। फिर कीकी की खुशी का ठिकाना नहीं था और हमने किए माता के दर्शन और कीकी भी बहुत खुश हो रही थी। जय करो। सो यहाँ पे कीकी थी बहुत खुश, नानू उसके बार बार उसका पजामा ठीक कर रहे थे क्योंकि वो फिसल रहा था। और धन्विका जब भी हम मंदिर जाते हैं बहुत खुश हो जाती है क्योंकि हम हर वीकेंड ही मंदिर जाते हैं दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे देखो कितनी खुश हो रही है नाना नानी के साथ कि जय करो, इनको भी बोले जा रही थी, हर मूर्ति के आगे जाके जय जय करे जा रही थी, तो बहुत खुश थी। पूरे मंदिर में भागे जा रही थी इधर से उधर, और जो भी इसको देख रहा था वो सब इससे बातें करने लग जाते थे, जो भी मंदिर में इसको देख रहा था। ये बहुत ही प्यारा मंदिर है। और उसके बाद माता के मंदिर के साथ साथ ही यहाँ पे शिव मंदिर भी है जो भी बहुत सुंदर है, और यहाँ पे भी लोग इससे बातें करने लग। ये देखो तो ये जो भैया धन्विका से बात कर रहे थे, ये कब से धन्विका को नोटिस कर रहे थे ये और इनकी वाइफ, तो इन्होंने इनसे बात करी। और ये भी थे हिमाचल के, तो इनको पहचान हो गई थी कि हम भी हिमाचल के हैं। वेरी गुड, जय। अच्छा थैंक यू, नाना को कर दो जय। जय करो, वेरी गुड। नाना को जय करो, वेरी गुड। पापू को जय। वेरी गुड, चलो होगी जय। सो धन्विका करवा रही थी सबको जय। एक्चुअली जब भी हम मंदिर जाते हैं तो मैं इसको ऐसे जय करवाती हूँ, तो इसने अभी सीख लिया है। तो ये नाना को, नानी को और पापा को, सबको ऐसे जय करवा रही थी। मम्मा को जय। मम्मा को करती मामा को करो, मामा को।
को ऐसे करता देख के और मतलब विवेक हो गए थे शॉक्ड कि मुझे तो पता ही नहीं था ये ऐसा करती है। पर घर पे मैं डेली पूजा करती हूँ तो धन्विका मेरे साथ ही होती है, तो जैसे जैसे मैं करती हूँ मुझे कॉपी करती रहती है। तो मतलब इसके नाना नानी भी शौक दे कि अच्छा ये मतलब धन्विका कितना ज़्यादा सीख चुकी है और धन्विका कितना फास्ट ग्रो कर रही है। तो फिर दर्शन के बाद हम सीधा घर निकल चुके थे क्योंकि घर पे हमारे फ्रेंड्स पहुंच चुके थे, उनकी भी कॉल आई, उन्होंने भी सरप्राइज़ दिया कि हम लोग घर के बाहर हैं और आप लोग कहाँ हैं। तो देखो वो पहुंच चुके थे। तो फिर घर पहुंचते ही हमने विवेक का केक कट किया क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके थे, तो हमने बनाया विवेक का हैप्पी बर्थडे। चुका था और किकी का देखो इसको पूरा फोकस केक पे ही था। फिर केक काटने के बाद विवेक ने बोला सबको थैंक्स। सो गाइस आज का दिन रहा बहुत अच्छा, आज मेरा बर्थडे था तो फाइनली मम्मी ने मेरे को आज आके सरप्राइज दिया, मम्मी पापा भी आए हैं और ये मेरे भाई भाभी दोनों और ये मेरा छोटा भाई शुभम। थैंक यू सो मच गाइस। और ये हमारी किकी, ये हमारी बेटी छोटी सी। और स्पेशल थैंक यू फॉर द स्पेशल पर्सन ऑफ माय लाइफ निशा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। सो फिर डिनर के बाद अब सब जा रहे थे घर अपने, मतलब भैया वगैरह सब अपने घर जा रहे थे। और किकी को देखो वो इतनी खुश है, वो पहले ही लेट गई है नाना नानी के पास, इतनी खुश थी मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितनी खुश हो रखी थी कि मेरे नाना नानी आए। तो ये इसको बुला रहे थे भैया वगैरह कि क्यों बाय बाय, तो बिल्कुल इनको इग्नोर करे जा रहे थे। ये देखो बाय, ठीक है, ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बाय बाय, कोई नहीं बेटे, आए आए, अच्छा जी, अच्छा किकी बोल रहे आई और ये थिनी है, हां जी, हां जी, कल आओ करें। सो फाइनली किकी ने भी बोल दिया था बाय बाय और भैया वगैरह निकल गए थे अपने घर और हम भी करने वाले थे सोने की तैयारी। ये देखो बाय बाय, ये मुझे बाय बोल रहे थे क्योंकि मैं इनको रिकॉर्ड कर रही थी। तो यहाँ पे अब हम जा रहे थे सोने और किकी देखो पहले ही नानी के साथ लेट गई और सो गई है। ये देखो मुझे मतलब मुझसे छुप रही थी कि मैं यहीं सोऊंगी नाना नानी के पास, ये देखो कितनी खुश हुई थी। गुड नाइट, नाइट नाइट, नाइट नाइट, चलते हैं नाना जी, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे ब्रो, थैंक यू सो मच, हैप्पी बर्थडे। सो ये था इस साल का विवेक का बर्थडे सेलिब्रेशन जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा था, बहुत बड़ा सरप्राइज मिला। तो आप सबको पसंद आया होगा तो प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।